गाइस, वेलकम बैक टू अल्टीमेट सक्सेस ऑनलाइन ट्यूटोरियल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम रूट वर्ड के थ्रू वोकैबुलरी पढ़ेंगे। गाइस, आई सजेस्ट यू कि आप ये लेक्चर लास्ट तक देखना, आपकी वोकैब बहुत इंप्रूव हो जाएगी। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एग्जाम से पहले जितने भी इंपॉर्टेंट वाले रूट वर्ड्स हैं हम सारे कवर करा दें। सो गाइस, आप हमारा एक भी पार्ट मिस मत करना, आपकी वोकैब बहुत इंप्रूव हो जाएगी, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, इससे आपको एग्जाम में बहुत मदद मिलेगी। अगर आपको कोई वर्ड का मीनिंग पता भी नहीं है, लेकिन अगर आपको वो रूट वर्ड याद है, उसके थ्रू आप वो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर दोगे। सो गाइस, शुरू करते हैं आज का हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। सो गाइस, आज का जो हमारा रूट वर्ड है वो है पैन, PAN। पैन इज अ रूट वर्ड विच मीन्स ऑल। किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में अगर आपको पैन वर्ड दिख जाए, समझ जाना वो ऑल से रिलेटेड है। आइए हम इसको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। सो गाइस, आज का जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है पैन इंडिया। अब आप यह देख सकते हो पैन वर्ड आ गया, दैट मीन्स ये कहीं ना कहीं ऑल से रिलेटेड है। पैन इंडिया सिंपली मीन्स ऑल ओवर इंडिया, इंडिया के हर कोने में। अगर कोई चीज ऑल ओवर इंडिया में अवेलेबल है उसको बोलेंगे हम पैन इंडिया। फॉर एग्जाम्पल, पैन इंडिया कंपनीज, मतलब ऑल ओवर इंडिया। पैन इंडिया का मतलब क्या होता है? ऑल ओवर इंडिया। पैन इंडिया कंपनीज का मतलब होता है ऐसी कंपनी जो ऑल ओवर इंडिया में है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, पैन इंडिया कोविड वैक्सीनेशन। पैन इंडिया का मतलब क्या होता है? ऑल ओवर इंडिया। पैन इंडिया कोविड वैक्सीनेशन का मतलब क्या हो जाएगा? ऑल ओवर इंडिया कोविड वैक्सीनेशन। पैन इंडिया सिंपली मीन्स ऑल ओवर इंडिया। अगर कोई चीज ऑल ओवर इंडिया में है उसको बोलेंगे हम पैन इंडिया। सो गाइस, आज का जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है पैनथेस्ट। अब आप ये देख सकते हो पैन वर्ड आ गया, दैट मीन्स ये कहीं ना कहीं ऑल से रिलेटेड है। किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में अगर आपको पैन वर्ड दिख जाए, समझ जाना वो ऑल की बात कर रहा है। पैनथेस्ट सिंपली मीन्स अ बिलीफ इन ऑल गॉड्स। पैनथेस्ट एक ऐसे इंसान को बोलेंगे जो सारे भगवान को मानता है, जो सारे धर्म के भगवान को मानता है, उसको बोलेंगे हम पैनथेस्ट, अ बिलीफ इन ऑल गॉड्स। सो गाइस, आज का जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है पैंडेमिक। अब आप यह देख सकते हो पैन वर्ड आ गया, दैट मीन्स ये ऑल से रिलेटेड है। पैंडेमिक सिंपली मीन्स अ डिसीज दैट स्प्रेड्स ऑल ओवर द कंट्री। एक ऐसी बीमारी जो पूरे कंट्री में फैल जाती है उसको बोलेंगे हम पैंडेमिक। फॉर एग्जाम्पल, कोविड इज अ पैंडेमिक। आप देख सकते हो कोरोना इंडिया के हर कोने में फैल चुका है, उसको बोलेंगे हम पैंडेमिक। पैंडेमिक का मतलब होता है एक ऐसी बीमारी जो पूरे कंट्री में फैल जाती है, हर जगह पे फैल जाती है, उसको बोलेंगे हम पैंडेमिक। सो गाइस, आज का जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है पैंडेमोनियम। अब आप ये देख सकते हो पैन वर्ड आ गया, दैट मीन्स ये कहीं ना कहीं ऑल से रिलेटेड है। इस वर्ड में आप देख सकते हो डेमन वर्ड है। डेमन का मतलब क्या होता है? राक्षस। अगर राक्षस को खुलेआम छोड़ देंगे तो वो क्या करेगा? अफरा तफरी मचा देगा, हर जगह गड़बड़ी मचा देगा। पैंडेमोनियम का मतलब होता है डिसऑर्डर ऑल ओवर, हर जगह पे अफरा तफरी, हर जगह पे गड़बड़ी, उसको बोलेंगे हम पैंडेमोनियम। सो गाइस, आज का जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है पैनेसिया। अब आप यह देख सकते हो पैन वर्ड आ गया, दैट मीन्स ये कहीं ना कहीं ऑल से रिलेटेड है। पैनेसिया सिंपली मीन्स अ क्योर फॉर ऑल डिसीज। पैनेसिया का मतलब होता है हर बीमारी का इलाज। फॉर एग्जाम्पल, आपने बहुत बार देखा होगा जब हम रास्ते से गुजर रहे होते हैं तो बड़े बड़े बैनर्स लगे होते हैं, एडवर्टाइजमेंट लगी होती है, हमारे हॉस्पिटल में हर बीमारी का इलाज है, उसको बोलेंगे हम पैनेसिया। पैनेसिया का मतलब होता है हर बीमारी का इलाज। सो गाइस, आज का जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है पैनक्रेटिक। अब आप यह देख सकते हो पैन वर्ड आ गया, दैट मीन्स ये कहीं ना कहीं ऑल से रिलेटेड है। पैनक्रेटिक सिंपली मीन्स नोइंग ऑल सब्जेक्ट्स। पैनक्रेटिक एक ऐसे इंसान को बोलेंगे जिसको सारे सब्जेक्ट्स के बारे में नॉलेज है। दुनिया में जितने भी सब्जेक्ट है वो सब सब्जेक्ट के बारे में उसको पता है, ऐसे इंसान को बोलेंगे हम पैनक्रेटिक। पैनक्रेटिक सिंपली मीन्स नोइंग ऑल सब्जेक्ट्स, जिसको सारे सब्जेक्ट्स के बारे में पता है उसको बोलेंगे हम पैनक्रेटिक। सो गाइस, आज का जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है पैनोरामा। अब आप यह देख सकते हो पैन वर्ड आ गया, दैट मीन्स ये कहीं ना कहीं ऑल से रिलेटेड है।
Panorama simply means view of an area in all directions. Panorama क्या होता है? Panorama हर किसी के फोन में होता है, जिससे आप चारों ओर का दृश्य देख सकते हो, चारों ओर का नजारा देख सकते हो, उसको बोलेंगे हम Panorama. So guys, आज का जो हमारा last example है, वो है Pantheon. अब आप यह देख सकते हो, pan word आ गया. That means ये कहीं ना कहीं all से related है. Pantheon simply means a temple dedicated to all gods. Pantheon एक ऐसे मंदिर को बोला जाता है जहाँ पे सारे भगवान की मूर्ति होती है. आप लोग भी मंदिर जाते होंगे, आपने देखा होगा कहीं पे शिव जी का मंदिर है, कहीं पे माता रानी का मंदिर है, कहीं पे गणेश जी का मंदिर है. लेकिन Pantheon एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे सारे भगवान की मूर्ति होती है, जितने भी देवी देवता है सबकी मूर्ति होती है उस मंदिर में, उसको बोलेंगे हम Pantheon. A temple dedicated to all gods, उसको बोलेंगे हम Pantheon. So guys, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट हम जब भी हमारा न्यू वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा. एंड प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो. एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस लेक्चर, प्लीज ड्रॉप मी अ टेक्स्ट इन द कमेंट सेक्शन बिलो. थैंक यू.